चलिए अब आपको लिए चलते हैं चरण तीर्थ। जी हाँ, चरण तीर्थ विदिशा में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो अपने आप में आध्यात्मिक प्रसिद्धि लिए हुए है। यहाँ मंदिर में प्राचीन चरण चिन्ह स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ चरण स्वयं भगवान राम की है। वे वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे, तभी से इस स्थल को चरण तीर्थ कहा जाने लगा। त्रेता युग से जुड़ा विदिशा का इतिहास, यहाँ है राम लक्ष्मण के चरणों के निशान। चरण तीर्थ नाम से विश्व प्रसिद्ध धाम, यहाँ के कण कण में बसे हैं प्रभु राम। विदिशा का चरण तीर्थ बेतवा नदी के तट पर स्थित ये क्षेत्र आध्यात्मिक प्रसिद्धि लिए हुए है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ से होकर गुजरे थे। उनके पावन चरणों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है, इसी कारण यह स्थान चरण तीर्थ नाम से जाना जाता है। भगवान राम का विदिशा से भी गहरा नाता रहा है। एक बात तो यह कि यहाँ पर भगवान वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण यहाँ पर दोनों आए थे, च्यवन ऋषि के आश्रम में रुके। यहाँ पर जो बेतवा नदी है, यह च्यवन कुंड, च्यवन ऋषि के नाम से च्यवन कुंड था, उसमें स्नान किया और जाते समय भगवान ऋषि की आज्ञा से जब यहाँ से गए, रवाना हुए, तो भक्तों के लिए अपने निशाने के तौर पर यहाँ पर अपने चरणों के चिन्ह, चरणों के निशान छोड़ गए। तभी से यह चरण तीर्थ धाम के नाम से यह स्थान विख्यात है। यहाँ मौजूद है श्री राम के पावन चरण। पवित्र बेतवा नदी के तट पर बसे इस क्षेत्र में महाराष्ट्रीयन शैली के दो मंदिर स्थापित है। ये जगह चरण तीर्थ नाम से जानी जाती है। एक मंदिर में प्राचीन चरण चिन्ह स्थापित है। मान्यता है कि चरण स्वयं भगवान राम की हैं। वे वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे, तभी से इस स्थल को चरण तीर्थ कहा जाने लगा। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती का राज। इतिहासकार निरंजन वर्मा बताते हैं कि जब भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने विदिशा को यादवों से युद्ध के बाद जीता था, बाद में उन्होंने ये राज अपने पुत्र शत्रुघाती को दे दिया। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। उस वक्त इसके आसपास के प्रदेश दशार्ण और राजधानी विदिशा कहलाती थी। ये क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि से भी जुड़ा माना जाता है। च्यवन ऋषि का आश्रम। विद्वान गोपाल राम आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये जगह भृगुवंशियों का केंद्र स्थल रहा है। चरण तीर्थ के नाम से विख्यात बेतवा के पावन कुंड किनारे च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। इसका नाम च्यवन कुंड था। धीरे धीरे लोग इसे चरण तीर्थ कहने लगे। मराठा सेनापति ने बनवाया था मंदिर। चरण तीर्थ पर ही शिवजी के दो विशाल मंदिर बने हैं। इनमें से एक मंदिर मराठों के सेनापति और भेलसा के सुबा खांडेराव अप्पाजी ने 1775 में बनवाया था। दूसरा मंदिर उनकी बहन ने वही पास में बनवा दिया। दोनों मंदिरों के अंदर शिवलिंग विराजित हैं। यहाँ पत्थर के दो विशाल दीप स्तंभ बने हैं, जहाँ एक साथ सैकड़ों दीप जलाए जाते थे। विराजे हैं वनवासी राम। चरण तीर्थ के पास ही त्रिवेणी है। यहाँ वनवासी राम लक्ष्मण का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में राम लक्ष्मण की प्रतिमाएं काले पत्थर से बनी हुई हैं। प्रतिमा में दोनों भाई जटाधारी और वत्कल वस्त्र धारण किए हैं। हालांकि अब उन्हें मुकुट और चमकीले वस्त्रों से सुशोभित किया जाने लगा है। भगवान राम विदिशा दो बार आए अपने जीवन काल में, 1000 वर्ष के जीवन काल में दो बार आए। एक बार वह वन में जाते टाइम, दूसरे अपने पिता का श्राद्ध करने जब पुष्कर जा रहे थे तब वो रुके। और यहाँ पर जब आए वो, तो उन्होंने यहाँ अपने पिता का श्राद्ध किया, पिंडदान किया, इस च्यवन कुंड में स्नान किया। क्योंकि भगवान ने रावण का वध किया था, रावण ब्राह्मण था, इसलिए उनसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो च्यवन कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद भगवान ने यहाँ च्यवन ऋषि के पैरों को पखारा। च्यवन ऋषि ने उनको ये वरदान दिया कि आज के बाद ये जगह जो है चरण तीर्थ, यहाँ भगवान श्री राम के चरणों के नाम से जानी जाएगी। आज हम जो शिला देख रहे हैं, ये चरणों की उसी टाइम त्रेता युग से ये शिला यहाँ पर स्थापित है। मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ। चरणों की शिला थोड़ी जीर्णशीर्ण और सुरक्षा की दृष्टि से उसके प्रतीकात्मक रूप भगवान के चरण संगमरमर के इसमें बाद में स्थापित कर दिए गए, जिनका आज बड़ी श्रद्धा के साथ
देश प्रदेश के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इनके दर्शन पूजन करते हैं और दूर दूर से भगवान के चरणों के दर्शन करने यहाँ लोग आते हैं। विदिशा वह प्राचीन नगरी है जहाँ पर कि शत्रुघ्न भगवान राम के जो छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई थे, चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके पुत्र का भी राज रहा है। और ऐसी मान्यता है कि जो भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद जब अश्वमेघ यज्ञ हुआ, तो अश्वमेघ यज्ञ के बाद काफ़ी समय बाद जब राम राज्य का बंटवारा हुआ, तो शत्रुघ्न के पुत्र को यह स्थान या विदिशा नगरी का भी राज्य यहाँ पर मिला था। पत्रिका टीवी के लिए ओपी अग्रवाल के साथ में गोविंद सक्सेना विदिशा से।